चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक आपका ये 6th वीडियो है, ठीक है। और जहाँ तक कि मैं इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट में आज पहले वीडियो में मैंने बात की थी निरक्षी स्थिति पे, आज बात करूँगा अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले वीडियो में अच्छी स्थिति की बात कर ली थी, अब निरक्षी की बात करूँगा, ठीक है। चलो भाई सब, मैं थोड़ी सी बात को गंभीर बनाने से पहले, इम्प्रूवमेंट कराने से पहले इम्प्रूवमेंट की भाषा का मतलब समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे लिखा है निरक्षी, मैंने कल बताया था अच्छी, अच्छी का मतलब अच्छपन, अच्छी का मतलब अच्छपन, और निरक्षी नीरक्षी। पहले एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। निरक्षी, निरक्षी में यदि बात करूँ तो निर में जो ना आ रहा है वो ना का मतलब है नहीं, और अच्छी मतलब छी, छी का मतलब है अच्छ। तो आज हम उस स्थिति की बात करेंगे, आज हम उस स्थिति की बात करेंगे जो अच्छ पर नहीं हो, आज हम उस स्थिति की बात करेंगे जो अच्छ पर नहीं हो, ठीक है। निरअच्छी का मतलब समझ में आया कि मतलब निर अच्छी, ना मतलब नहीं, अच्छ निर अच्छी का मतलब अच्छ। तो जो स्थिति अच्छ पर ना हो तब की गणना बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो भैया एक बात बताओ, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रूवमेंट। वैद्युत ध्रुव की निरक्षी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो हम बता चुके हैं इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। बार बार बताते हैं, कोई बच्चा भाई सब पहली बार वीडियो में आया है वो भी समझे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं चलो, जब इतनी बात आ गई तो हम अपनी बात को अब आगे बढ़ा के थोड़ा सा और डीपली समझे। पहले तो इसमें कहीं ना कहीं डायग्राम आता है, ठीक है। यदि हमें डायग्राम क्लियर हो गया तो भाई साहब पूरा टॉपिक 2 मिनट का रहता है, इम्प्रूवमेंट भी शायद 2 ही मिनट का होता है, लेकिन इस 2 मिनट को काफ़ी मिनटों में लेकर, उन काफ़ी मिनटों को लेकर और थोड़ा सा समझकर उसे 2 मिनट का इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है, आज मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले डायग्राम पे बात कर लेता हूँ, डायग्राम समझते हैं। डायग्राम पे बात करूँ तो पहले डायग्राम सबको ही बना लेना, क्योंकि भाई साहब इम्प्रूवमेंट में थोड़ा समझ लो कैलकुलेशन पे है, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डायग्राम बिगाड़ देगा, तो पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेना, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो अभी हर चीज का मतलब बताऊंगा, केवल 2 मिनट। भाई तेरे भाई की थोड़ी आर्ट खराब है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये सिंपल एक सीधी लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक है। वो टेढ़ी हो रही है उसकी बात अलग है, लेकिन आप लोग समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको सीधी दिखेगी मन की भावना, ठीक है। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो तो पूरी बात होगी और आराम से होगी, कोई भागना नहीं है, ठीक है। और डायग्राम भैया मेरे साथ साथ बना लेना, क्योंकि अभी जब मैं इम्प्रूवमेंट कराऊंगा तो डायग्राम बिगाड़ूंगा, और डायग्राम तभी बिगाड़ूंगा जब डायग्राम को आपके माइंड में सेटअप कर दूंगा, ठीक है, सेट कर दूंगा। चलो
अभी केवल आधी आधी बात केवल थीटा थीटा करना है, उसमें सब पीटा पीटा करना है, ठीक है? दो मिनट देखना केवल डायग्राम पे बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब बच्चे को डायग्राम ही क्लियर नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से करेगा, ठीक है? तो डायग्राम पे पहले मेन हमारा टारगेट होता है कहीं ना कहीं डायग्राम को आपके माइंड में सेट करना, ठीक है? चलो और बाकी जो छोटी छोटी बातें होती है उनको तो हम ऐसे ही सेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि भैया क्या ही हो गया, मतलब सब इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आ रहा है। चलो अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को बात पर थोड़ी सी अहम चर्चा करेंगे भैया, ठीक है? चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में कहीं ना कहीं आपको बताया कि एक वैद्युत ध्रुव है और वैद्युत ध्रुव की परिभाषा मैं बता चुका हूँ, ठीक है? देख लेना अपना डायग्राम एक बार चेक कर लो। चलो हमें नहीं लगता है डायग्राम में कोई दिक्कत है। चलो जब इतनी बात क्लियर है तो चलो हम थोड़ी सी बात गंभीर बनाते हुए बात कर रहे हैं कि पहले तो हमने कहा कि हेडिंग डाला है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जब इतनी बात क्लियर है तो अच्छा वैद्युत ध्रुव होता क्या है, पहले वीडियो में कहा दूसरे भी बताऊंगा। वैद्युत ध्रुव होता क्या है, दो विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस, दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी का जो समुदाय क्षेत्र बनता है वो कहीं ना कहीं उसे हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव। क्या कह रहे हैं? दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा उनके बीच की दूरी का समुदाय क्षेत्र क्या निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत ध्रुव, ठीक। अब हमने थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि हम बात कर रहे हैं निरक्षी, तो इसमें कोई अक्ष तो है नहीं, सब निरक्ष पे काम होगा उस पे बात कर रहे हैं। देखो यदि मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो हमने कहा एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमने कहा एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी गणना करनी, मतलब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसके बारे में पता करना। चलो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने कहा थ्योरी को थोड़ा सा और गंभीर बनाऊं तो हमने कहा कि भैया वैद्युत ध्रुव ए बी पर जब ओपी लंबार्धक होती है, मतलब लंबार्धक मतलब लंब डालो और आधा दबा डालो, लंबार्धक भाषा में अर्धक आधा नहीं, तो हमने कहा एक वैद्युत ध्रुव ए बी पर जब ए बी पर ओपी लंबार्धक डाली जाती है तो ए बी दो घटकों में विभाजित हो जाता है, एक घटक AB दो घटकों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोण जो रेखा से कोण बनाता है, वो कॉस थीटा कोण होता है, मतलब समांतर घटक एक होता है जिसे कॉस थीटा कहते हैं। एक लंबार्धक घटक होता है जिसे हम साइन थीटा कहते हैं, लंबार्धक घटक मतलब लंब से जो कोण बने, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, साइन थीटा। चलो जब इतनी बात क्लियर हो गई, पहले डायग्राम में पूरी बात, ठीक, तो हमने कहा फिर से लैंग्वेज को रिपीट करूं, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं केवल वीडियो देख के ही इंप्रूवमेंट माइंड में सेट हो जाए, समझ लो। चलो स्टार्ट करेंगे। वैद्युत ध्रुव ए बी है जिस पर दो विपरीत प्रकार के आवेश है, माना कि ए बी पर ओपी क्या करते हैं, लंबार्धक डालते हैं, तो हमने कहा प्लस बी बिंदु के बाद। अब थोड़ी सी लैंग्वेज आगे, इतनी बात की कि हमने कहा ए बी रेखा, ए बी पर क्या होता है, ओपी एक लंबार्धक डाला जाता है जो ए बी को दो घटकों में विभाजित करता है, एक लंबार्धक घटक समांतर घटक में कॉस थीटा कोण होते हैं तथा लंबार्धक घटक में साइन थीटा कोण होता है, ठीक। जब इतनी बात क्लियर होगी तो भैया हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। दोनों ही
कॉस थीटा कोण बनाते हैं, इसलिए इसका परिणामी क्या है, ई है। और जब परिणामी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परिणामी की इस प्रकार से बात होती है कि हम लिख सकते हैं कि भैया मेरे जब प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बन रही है, तो E1 जब बन रही है तो ये पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा होगी तथा सेकंड में E2 cos थीटा होगी। नहीं बात है, तो परिणामी क्या होगी, ये प्लस ये इक्वल टू ई, ये प्लस ये इक्वल टू ई। तो हम कह सकते हो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू E1। थोड़ा गाढ़ा लिखे, समझ में नहीं आ रहा होगा। E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, E1 जो है वो E2 के बराबर हो सकता है कि नहीं, इतनी बात बताओ बस, उसके आगे नहीं। भैया नहीं हो सकता, बच्चों का जवाब आता है नहीं हो सकता, लेकिन हम बोलेंगे हो सकता है। क्यों? आवेश की मात्रा समान है लेकिन दिशा, आवेश की मात्रा समान है लेकिन परंतु आवेश विपरीत है ना, मतलब दिशा विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है लेकिन मान जो है वो इक्वल है, एंगल बराबर है ना, हर प्रकार एंगल आवेश दोनों से बोल सकते हैं। कि हमने कहा दिशा डिफरेंट है, ये इधर जा रहा है इधर, लेकिन भैया परिणामी तो, परिणामी मतलब एंगल से ले लो तो एंगल तो बराबर है ना, और जब एंगल बराबर है तो E1 इक्वल टू E2 बोल सकते हो। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भैया ये भी E1 हो सकता है, अर्थात बोल दो E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया, नहीं दिक्कत तो कोई बात नहीं, चलो आगे बात करते। जब आगे बात की तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इक्वल टू 2E1 cos थीटा इक्वल, यदि इतनी बात होगी तो हमने कहा कहीं ना कहीं E बना, ठीक है। जब इतनी बात होगी तो हमने कहा कि E बराबर लिखो E1 2 cos थीटा, बस। अब मैं थोड़ा डायग्राम को चाहे नहीं रेस करता हूं, थोड़ी देर रुक जाता हूं, ठीक है। यहां तक का बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने जहां तक का फोर्थ वीडियो में जब आप जाओगे तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने एक प्रूवमेंट कराया था तो किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र बताया था कि ई बराबर होता है, सर बताता हूँ एक एक चीज, मैं वीडियो तक की कवर कर देता हूँ। ई बराबर में 1/4πε₀Q/r² बताया था भाई, अब उसी का यूज होगा, बस हल हो जाएगा। तो हम भैया बोले कि E1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हो, E1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हो आप 1/4πε₀Q/r² अच्छा आर स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का दूरी मालूम है क्या, ये तो टोटल ये एल है, ये एल है, 2L है टोटल, तो आधी आधी बढ़ जाएगी है, ये आर ये एल, तो ये दूरी क्या होगी रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल आएगी। अर्थात दूरी कितनी आ गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं हमने पाया कि E1 बराबर में 1/4πε₀ गुणे Q/r² + l² यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं दिक्कत, चलो आगे बात करते हैं। जब इतनी बात आ गई लेकिन हमारा तो अभी 2 cos थीटा बचा है, तो 2 cos थीटा लिख दिया। अच्छा cos थीटा का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है, cos थीटा का मान मालूम नहीं है तो ज्ञात करो। अच्छा cos थीटा का मान ज्ञात करना है तो बेसिकली एक चीज बताओ, cos थीटा यदि हम बात करते हैं कि लाल बटे कक्का एक एक पॉइंट भाई कुछ नहीं छूट रहा, समझ रहे हो, हर पॉइंट में बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं घुमा के। तो हमने कहा इतनी बात आ गई, तो बीच वाला क्या होता है, cos होता है तो आधार बटे कर्ण,
थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात बोल सकते हो कि OB अपॉन में PB, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OB अपॉन में PB इक्वल टू, OB का मान L है, PB का मान रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो L स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की होल पावर 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि हम जानते हैं। अब देखो डायग्राम को बिगाड़ रहे भाई, ठीक है, अब केवल आपकी दो मिनट का खेल बचा है, खत्म है, डायग्राम बिगाड़ ऐसे लिखा था पहले नोट पर, ठीक है, अब केवल प्रूवमेंट में कैलकुलेशन बची है। चलो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने कहा भैया, हमने कहा कॉस थीटा बराबर हमने पाया ये, लेकिन हमने कहा भैया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो हम जानते हैं। अच्छा एक बार बता दो, मैथ में आपने पढ़ा होगा यदि रूट में 2 है तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 1/2, यदि रूट में a है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो रूट का मतलब रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख दिया, तो कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अब जब कॉस थीटा का मान निकाल लिया, क्या किया, कॉस थीटा का मान निकाल लिया, तो भैया हमने कहा फार्मूले में रखेंगे, तो हमने फार्मूला कहाँ तक ले आए, ई बराबर 1/4π0Q/r² + L² 2 कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे ई बराबर में ले आए थे फार्मूले को, E बराबर में फार्मूले को ले आए 1/4π0Q/r² + L² तक ले आए, इंटू में 2 कॉस थीटे की बात की, तो कॉस थीटे मतलब लग गए छीटे, और छीटे लगे तो कॉस थीटा का मान निकला L अपॉन में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का मान L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं दिक्कत है, चलो फिर इसके आगे बात की, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हल करने की बात आ रही। अच्छा एक बात बताओ, मैंने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, मैंने बोला था P बराबर होता है 2QL होता है, पढ़ाया था। चलो यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पाया 1/4π0 इंटू में 2QL, Q2L लिख दिया, 2QL, Q2L, Q2L लिखा, बटे में क्या बचा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1, इसकी पावर क्या 1, और इसकी पावर 1/2, तो लिखो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की होल पावर 1/2। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ा था, ठीक, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम जब घात को जोड़ेंगे तो भैया आप कहीं ना कहीं ये पाओगे कि 1/4π0 इसको पूरे को लिख सकते हो क्या, पी गुणे पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो बोल सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, 1 + 1/2 को जोड़ो तो 3/2 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, जब इतनी दिक्कत नहीं तो एक बात बताना, थोड़ा सोच के बताना। अच्छा हमने जब डायग्राम पहला अच्छ वाला कराया था तो हमने बोला था कि R बहुत बड़ा है L से, यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाओ, R बहुत बड़ा है L से, अर्थात L को क्या मान लो, 0 मान लो, जब L को 0 मान लोगे, ये बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है, जब L को 0 मान लोगे तो आप पाओगे E बराबर में 1/4π0 × P / R² + 0 / 3/2, जब जोड़ोगे इसको बिगाड़ देंगे, ठीक, जब जोड़ोगे, भैया सर्दी बहुत पड़ रही है, चलो जब जोड़ोगे तो E बराबर पाओगे कि 1/4π0 P, ठीक है, R स्क्वायर प्लस 0, तो R स्क्वायर तो लिख सकते हो R² की होल पावर
थ्री बाई टू, जब इसको हल किया तो आपने पाया वन अपॉन में फोर पाई एफ साइलेंट नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, नहीं पाए, ये आपने ई बराबर फार्मूला निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने फार्मूला निकाला वैद्युत ध्रुव की निरक्षी स्थिति में पाया कि ई बराबर फार्मूला आया वन अपॉन में फोर पाई एफ साइलेंट नॉट गुणे पी अपॉन में आर क्यूब, यही था निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखो ई को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही निकाल। यहां तक कोई दिक्कत हो बोलो? नहीं भाई साहब, जिस हिसाब से मैं स्पीड में लगा रहा हूँ वो स्पीड कहीं नहीं है, वो केवल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आप समझ जाओगे मैथमेटिक्स। देखो पहली चीज, यदि मैं बात करूं जिसकी मैथ अच्छी, क्या है मैथ अच्छी है उसके लिए धुआं है, उसके लिए केवल डायग्राम समझ जाएगा और दो मिनट में हल कर लेगा। और तेरा भाई हमें लगता है कि इतना बेहतरीन समझाने का प्रयास करता है कि ऐसे ही समझ में आ जाता है कि उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ तक फार्मूला ले आए थे कि 2e1 cos थीटा, तो e बराबर में e1 2 cos थीटा हो गया। e1 का मान लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि दूरी की बात की तो दूरी क्या थी, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू में 2 cos थीटा था, क्या था 2 cos थीटा था, 2 cos थीटा। फिर हमने कहा कि cos थीटा का मान निकाल लिया, cos थीटा का मान डायग्राम से बनाया तो निकाला l अपॉन में रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर 1/2, वही वैल्यू रख दी। जब वैल्यू रख दी तो कहीं ना कहीं हल किया तो हमने पाया कि भैया p बराबर e बराबर निकाला है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q p अपॉन में r क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो जब यहां तक क्लियर है तो भैया आज का यही तक वीडियो रखता हूं, सोच रहा हूं वीडियो बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जिसने देखा है उसको समझ में आएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया स्पीड थोड़ी तेज लगी तो बैक करके देखो, उसको फिर से क्लियर होगा। भाई साहब यही इस डायग्राम में केवल आपका वो कहीं ना कहीं उसको माना गया है, डायग्राम यदि क्लियर है तो आप बोलोगे भैया प्रूवमेंट हवा था, हवा इसलिए था। माइंड नहीं सोचो यार, उतना तो हम दिमाग में कर लेते हैं यार, समझ लो इंटर क्लास है, थोड़ा लेवल हाई होना चाहिए। कब तक वही कक्षा 8 वाली चीजें रटोगे, थोड़ा स्टेटस बढ़ाओ, लेवल को स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड लेवल लाओ। जितना देखो क्या होता है, जितना बड़ा बड़ा पढ़ोगे ना छोटा वाला ऑटोमेटिक क्लियर होता है। हमारा तो एक फंडा है कि हम पहली चीज होती है कि कहीं ना कहीं पहले छोटी चीजें वो सीखे फिर बड़ी चीजों में आते, लेकिन हम कहते हैं बड़ी चीज को क्यों ना सीख लिया जाए। यदि हमें बड़ी चीज को हमने विस्तार पूर्वक ध्यान से समझ लिया, बड़ी चीजें जैसे बड़ा कोई क्वेश्चन हल कर लिया, उसमें जोड़ घटाना प्लस भाग गुणा सब आ गया, ठीक है, फार्मूला भी तैयार हो, यदि उसको हमने एक बिल्कुल एकाग्रता से बिल्कुल समझ लिया तो भाई साहब जो छोटी चीजें होती है वो ऑटोमेटिक हमें समझ में आती है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।